कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक वी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि फेसबुक पर अपने दोस्तों से चैटिंग कर रही होती है। अब तभी उसके सामने एक लड़के की फोटो आ जाती है जिसका नाम जेपी है और जेपी वी का क्रश होता है और उस लड़के को देखकर वी मुस्कुराने लगती है। पर तभी उसकी फ्रेंड सिडनी की वीडियो कॉल आ जाती है जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब सिडनी उसे एक ऑनलाइन गेम नर्व के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि नर्व में दो तरह के लोग होते हैं जिसमें एक तरफ प्लेयर और दूसरी तरफ वॉचर होते हैं। इस गेम में वॉचर प्लेयर को कुछ टास्क देते हैं जो कि उन्हें पूरे करने होते हैं और अगर वो इन टास्क को पूरा कर लेते हैं तब इसके बदले में प्लेयर को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। यहाँ पर सिडनी वी से कहती है कि तुम्हें मुझे फॉलो कर लेना चाहिए जिससे मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। अगले दिन हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गेम शुरू होने वाला था। यहाँ पर सिडनी अपनी एक फ्रेंड को अपना फोन देकर उससे खुद को रिकॉर्ड करने के लिए कहती है और वो कॉलेज के ग्राउंड में जाकर सभी के सामने अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं पर ये सब उसके एक ऑनलाइन गेम का हिस्सा होता है जो कि उसके सब्सक्राइबर ने उससे करने के लिए बोला था। आगे सीन में हम देखते हैं कि वी और सिडनी एक कैफे में बैठी होती हैं। यहाँ पर वी उससे कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सिडनी उससे कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे नर्व गेम पर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाकर बहुत सारा पैसा कमाना है। वो वी से भी उस गेम को ज्वाइन करने के लिए कहती है लेकिन वी उस गेम को ज्वाइन करने से मना कर देती है। तो अब सिडनी उससे कहती है कि इस काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए और तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है क्योंकि तुम आज तक जेपी को ही प्रपोज नहीं कर पाई हो। अब सिडनी जेपी के पास जाकर उसे बता देती है कि वी उसे पसंद करती है, लेकिन जेपी उसे कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है। ये सुनकर वी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जेपी उसका क्रश होता है और इसलिए वो रोते हुए घर जाने लगती है। अब वी घर जाकर अपने लैपटॉप में सबसे पहले ऑनलाइन गेम नर्व की वेबसाइट को ओपन करती है और वो उसके रूल पढ़े बिना ही उसमें खुद को रजिस्टर कर लेती है। अगले दिन वी अपने फ्रेंड टॉमी से मिलती है और उसे बताती है कि मैंने भी अपने आप को नर्व गेम में एंटर कर लिया है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम अभी इस गेम के बारे में जानती नहीं हो। ये गेम बहुत खतरनाक है क्योंकि पिछली बार टास्क पूरा करते समय एक लड़के की मौत हो गई थी। पर वी उससे कहती है कि अगर ऐसा होता तब गवर्नमेंट इसको अब तक बंद कर देती, लेकिन टॉमी उससे कहता है कि इस गेम को ऐसे बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस गेम का कोई भी ओनर नहीं। इस गेम को जो देखते हैं वही इसके ओनर होते हैं और उन्हीं की मर्जी से इस गेम को बंद किया जा सकता है। अब वे टॉमी के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां पर उसे एक डेयर मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि अगर वो रेस्टोरेंट में बैठे किसी भी अजनबी को किस करती है तब उसे इसके बदले में $100 मिलेंगे। अब वे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उसे रेस्टोरेंट में एक एयान नाम का लड़का मिलता है जिसके हाथ में उसकी फेवरेट बुक होती है और इसी वजह से वो उसको किस कर लेती है। ये टास्क कंप्लीट होते ही वी के अकाउंट में $100 भी आ जाते हैं। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि एयान भी इस गेम का प्लेयर है और टास्क देने वालों ने इस टास्क को इस तरह से डिजाइन किया है जिससे ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। अब एयान और वी को फिर से एक टास्क मिलता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उन्हें एक नए शहर में जाना है और इसके बदले में उन्हें $200 मिलेंगे, लेकिन टॉमी वी को वहां जाने से मना करता है। वो उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, पर वी उसकी बात नहीं सुनती है। वो एयान के साथ बाहर आ जाती है और उसके साथ बाइक पर बैठकर यहां से चली जाती है। अब यहां आकर वी को फिर से एक टास्क मिलता है जिसमें उसे एक स्टोर में जाकर सबसे महंगी ड्रेस पहननी है और इसके बदले में उसे $500 मिलेंगे। इसलिए वी उस स्टोर के ट्रायल रूम में जाकर उस ड्रेस को पहनने लगती है, पर तभी वो देखती है कि उसके फोन में कुछ खराबी आ चुकी है जिससे वो अपने टास्क को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही है। पर तभी यहाँ पर एयान अपना फोन लेकर पहुंच जाता है और वी के टास्क को रिकॉर्ड करने लगता है और उसने भी नए कपड़े पहने थे, इसका मतलब ये था कि इन दोनों को सेम ही टास्क मिला होता है। अब इनको बताया जाता है कि इन दोनों को इन कपड़ों को निकाल कर बाहर जाना होगा, लेकिन जब ये अपने पुराने कपड़े देखते हैं तब वो यहाँ से गायब होते हैं। इसलिए अब इन दोनों को अपने अंडरगार्मेंट्स में ही बाहर जाना पड़ता है जिससे सभी लोग इनको देखने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों ही इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं और बाहर आते ही इनको वो महंगे कपड़े भी मिल जाते हैं जो इनको पहनने के लिए कहा गया था। ये देखकर ये दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद से ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और ऐसे बहुत सारे टास्क कंप्लीट करते हैं। दूसरी ओर टॉमी को वी की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उसकी फ्रेंड सिडनी को कॉल करके उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन सिडनी को इस बारे में पता ही नहीं था कि वी अब नर्व गेम की प्लेयर है। उसे ये बात टॉमी से पता चलती है, इसलिए जब वो वेबसाइट पर जाकर चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वी उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। ये देखकर सिडनी अपनी ही फ्रेंड से जेलस फील करने लगती है। दूसरी ओर टॉमी इस गेम की वेबसाइट पर जाकर एयान के बारे में सर्च करने लगता है
और उसे पता चलता है कि इयान इस गेम को पहले भी खेल चुका है, लेकिन जब उसका आखिरी टास्क था तब वो कहीं गायब हो गया था। अब ये बात वो कॉल करके वी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोई होती है। अब वी और इयान को फिर से एक टास्क मिलता है जिसको पूरा करने पर उन्हें $10,000 मिलेंगे। इस टास्क में इयान को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी बाइक को 60 की स्पीड में चलाना है और वी उसके पीछे बैठकर उसको गाइड करेगी। अब तभी यहाँ पर एक टाई नाम का लड़का आता है और वो वी के हाथ में आंखों पर बांधने वाली काली पट्टी देकर उसका एक फोटो क्लिक करता है और उससे कहता है कि अब हम फाइनल में मिलेंगे। वी जब इयान से उस लड़के के बारे में पूछती है तब वो उससे कहता है कि शायद वो कोई प्लेयर होगा। अब ये दोनों अपना टास्क पूरा करने के लिए बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। इयान अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चला रहा था और वी उसको पीछे बैठकर गाइड कर रही थी। अब ऐसा कई बार होता है कि उनकी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वी उसको अच्छे से गाइड कर रही थी, जिससे इयान हर बार एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। अब ऐसे करते हुए ये अपने फाइनल टारगेट तक पहुंच जाते हैं और इनका टास्क कंप्लीट हो जाता है। इनको टास्क करते हुए बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और इसमें सिडनी भी शामिल होती है और ये देखकर उसे बहुत जलन होती है। अवयान और वी जब एक साथ होते हैं तब इयान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है, तब वी उसे सिडनी का फोटो दिखाती है जिसे देखकर वो कहता है कि ये लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वी उससे कहती है कि ये लड़की ना ही तो ब्यूटीफुल है और ना इंटेलिजेंट, ये तो बिल्कुल बेवकूफ लड़की है। पर उनकी ये सारी बातें सिडनी और बाकी लोग भी सुन रहे होते हैं और ये सब सुनकर सिडनी को बहुत गुस्सा आता है। अब सिडनी एक पार्टी में होती है जहां पर उसे एक टास्क दिया जाता है जिसमें उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक एक सीढ़ी से जाना होगा। अब वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाती है और दूसरी बिल्डिंग तक जाने लगती है, लेकिन बीच में जाकर जब वो नीचे देखती है तब वो काफी ज्यादा डर जाती है और बीच में ही अपने टास्क को छोड़ देती है। अब सिडनी की तरह ऐसे बहुत सारे प्लेयर थे जिनको अलग अलग तरह के टास्क दिए गए थे और वो भी अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। वी इयान के साथ उस पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर सिडनी होती है, लेकिन सिडनी वी के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे वी और इयान की सारी बातें पता चल चुकी थी। लेकिन वी इस बात से काफी हैरान थे कि आखिर उसे मेरे और इयान के बीच की बातें कैसे पता चली। अब तभी वी को वही टास्क मिलता है जिसको सिडनी कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसलिए वी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और वो बड़ी ही आसानी के साथ उन सीढ़ियों पर चलती हुई दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर उसे टॉमी मिलता है जो कि उसे बताता है कि इयान इस गेम का प्लेयर पहले भी रह चुका है, और इसके साथ ही वो उसे बताता है कि जिस समय वो सिडनी के बारे में उससे बात कर रही थी उसने तुम्हारी बातों को लाइव चला दिया था जिससे तुम्हारी बातों को सभी ने सुन लिया है। ये सुनकर वी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो पुलिस के पास जाकर उनको इस गेम के बारे में बताने लगती है, पर पुलिस को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। अब तभी वी के पास टाई आता है, उसको बेहोश कर देता है, लेकिन जब वी की आंख खुलती है तब वो खुद को एक कंटेनर के अंदर बंद पाती है और उसके सामने एक स्क्रीन चल रही थी जिसमें उसे बताया जाता है कि उसने पुलिस को बताकर इस गेम का एक रूल तोड़ा है, इसलिए वो एक कैदी बन चुकी है और अगर उसे आजाद होना है तब उसे इस गेम का फाइनल खेलना पड़ेगा, इसलिए वी फाइनल खेलने के लिए तैयार हो जाती है। और वी जब यहाँ से जा रही होती है तब रास्ते में उसे इयान मिलता है जो कि उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो उसको बताता है कि मैं और टाइस गेम को पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन गेम के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी, इसलिए हमने इस बारे में पुलिस को बताने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमने इस गेम के एक रूल को तोड़ दिया और हम भी कैदी बन गए, और इसके बाद से मेरी बहन की प्राइवेट फोटो लीक हो गई और मेरे पिता की नौकरी भी चली गई। कोई भी नॉर्मल प्लेयर इस गेम को कभी भी छोड़ सकता है, बस उसको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कैदी बनने के बाद हमें इस गेम से बाहर निकलने के लिए फाइनल तक पहुंचना पड़ेगा और उसे जीतना भी होगा। अवयान को एक टास्क मिलता है जिसमें उसे सबसे ऊंचे टावर पर जाकर 5 सेकंड के लिए लटकना होगा, क्योंकि इयान भी एक कैदी है इसलिए मजबूरी में उसे ये टास्क करना पड़ता है, पर वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेता है। अब वी से मिलने के लिए टॉमी और सिडनी आते हैं। यहाँ पर वी उनको सारी सच्चाई बता देती है, इसलिए सिडनी और वी फिर से एक दूसरे की दोस्त बन जाती हैं। यहाँ पर वी उन दोनों को नर्व गेम को बंद करने का प्लान बताने लगती है। वो उनसे कहती है कि इस गेम को वॉचर चलाते हैं जिनकी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता है, अगर हैकर की मदद से वॉचर की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया जाए तब इस गेम को बंद किया जा सकता है। अब टॉमी और सिडनी हैकर के पास जाकर ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैकर उनको बताता है कि ऐसा करने से पहले सभी वॉचर्स के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी और अगर वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी उनकी आइडेंटिटी का पता चल सकता है। दूसरी ओर हमें वी और इयान को दिखाया जाता है जो कि अब फाइनल में पहुंच चुके हैं और उन दोनों के हाथ में एक गन होती है
और इस गन से जो भी पहले शूट करेगा वही इस गेम को जीत जाएगा। लेकिन वी ऐसा करने से मना कर देती है और वो कैदी बनकर ही जीने का फैसला करती है। पर तभी यहाँ पर टाई आ जाता है, वो वॉचर से कहता है कि वी की जगह वो इस गेम को पूरा करेगा और इयान के ऊपर गोली चलाएगा। ये सुनकर वी को बहुत गुस्सा आता है, वो टाई को चैलेंज करती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तब इस गेम को मेरे साथ पूरा करो। अब वॉचर्स के पास एक रिक्वेस्ट जाती है जिसमें यस और नो का ऑप्शन होता है, जिसमें बहुत सारे वॉचर्स यस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये था कि फाइनल वी और टाई के बीच खेला जाएगा। अब ऐसा होते ही टाई वी के गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जितने भी वॉचर्स थे उनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी और उनके पास एक मैसेज आता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि वी की मौत के जिम्मेदार वो लोग हैं। अब पुलिस के डर से जितने भी वॉचर्स थे वो इस गेम से लॉग आउट करने लगते हैं और देखते ही देखते सभी वॉचर्स इस गेम से लॉग आउट हो जाते हैं। वी के मरने के बाद यान को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो टाई को शूट करने वाला था, लेकिन तभी वी जिंदा हो जाती है और उसको रोक लेती है। दरअसल ये सब वी का एक प्लान होता है। एयान वी को बताता है कि हमने जो वॉचर्स के पास रिक्वेस्ट भेजी थी वो वी को मारने की रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि वो उनकी आइडेंटिटी को रिवील करने की रिक्वेस्ट होती है जिसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वॉचर वी की मौत को लेकर काफी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो कभी भी इस गेम में लॉगिन नहीं होते हैं और इस तरह से वी इस गेम को बंद करा देती है। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।